नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अध्याय में किसका वर्णन किया गया है? अध्याय में किसका वर्णन किया गया है? तो किसका किया गया है, अध्याय में किसका वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर क्या लिखोगे, किसका किया गया है? इसका आंसर लिखोगे अध्याय में तितली और कली के सुंदर वार्तालाप का वर्णन किया गया है। अध्याय में किसका वर्णन किया गया है? अध्याय में तितली और कली के सुंदर वार्तालाप का वर्णन किया गया है। सुंदर वार्तालाप का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, तितली कली से क्या बोली? तितली कली से क्या बोली? तो क्या बोली थी तितली कली से? इसका आंसर क्या लिखोगे, तितली कली से आंखें आंखें खोलने व उसके उसके साथ खेलने के लिए बोली। तितली कली से क्या बोली? तितली कली से आंखें खोलने में उसके साथ खेलने के लिए बोली। किसके लिए बोली? आंखें खोलने में उसके साथ खेलने के लिए बोली। अगला क्वेश्चन क्या है, कली ने तितली की बात सुनकर क्या किया? कली ने तितली की बात सुनकर क्या किया? तो क्या किया, कली ने तितली की बात सुनकर खिल गई। कली ने तितली की बात सुनकर खिल गई। क्या हो गई, खिल गई। अगला क्वेश्चन क्या है, कली के हवा के साथ भागने पर तितली ने क्या किया? कली के हवा के साथ भागने पर तितली ने क्या किया? तो इसका आंसर क्या लिखोगे, कली के हवा कली के हवा के साथ भागने पर तितली उसे छूने के लिए चली। किसके लिए चली तितली? उसे छूने के लिए चली। कली के हवा के साथ भागने पर तितली ने क्या किया? कली के हवा के साथ भागने पर तितली
चली, तो इन क्वेश्चन आंसर को आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। क्या करना है, अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है। क्या करोगे, इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और इनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन बनाइए। क्या बनाने हैं, इनके बहुवचन बनाने हैं। आंख, आंखें, आंख, आंखें, कली, कलिया, किताब, किताबें, परी, परियां, बात, बातें, मछली, मछलियां, रात, रातें, तितली, तितलियां, तितली, तितलियां। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। क्या करना है, इनको शुद्ध करके लिखना है। तितली, तो इसको क्या करना है, शुद्ध करना है, ती ते ली, रंगीली, रंगीली, खुशबू, खुशबू, छूने, छूने, नन्ही, नन्ही, सुंदर, सुंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए तुकान शब्दों को सुमेल कीजिए। हरी, भरी, संग, संग, रंग, कली, कली, भली, सुंदर, सुंदर, बंदर, रंगीली, सजीली। तो इनको क्या करना है, आपस में सुमेल करना है। तो इन क्वेश्चन आंसरों को क्या करोगे आप, इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करोगे। क्या करोगे, अपनी नोटबुक में इन सब क्वेश्चन आंसरों को राइट करोगे और इनको अच्छे से लर्न करोगे। क्या करोगे, इनको अच्छे से राइट करोगे और इनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।